हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैशाली। तो आज हम सोलापुर की शेंगदाना चटनी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने जो मूंगफली होती है या शेंगदाना होता है उसको अच्छे से रोस्ट करके लिया है और उसके छिलके निकाल लिए हैं, ये देखिए। और एक मिक्सी जार में मैंने 7-8 लहसुन की कलियाँ और लाल मिर्च पाउडर डाल के उसको पहले पीस लिया था। फिर अभी इस पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दी है। फिर ये जो मूंगफली है उसमें मैंने वो डाल दी है मिक्सी जार में। नमक स्वादानुसार डाल देंगे। फिर हमको इसको दरदरा पीस लेना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है, एकदम दरदरा पीसना है। ये जो चटनी है बहुत ही टेस्टी लगती है, चपाती भाकरी या फिर दाल चावल के साथ भी आप खा सकते हो। फिर एक पैन को अच्छे से गरम करके उस पर मैंने तेल डाला है। उसके बाद ये जो हमने पीस लिया था मिश्रण उसको मैंने तेल में डाल दिया है। सोलापुर में की ये बहुत फेमस चटनी है। तो देखिए इस तरह से हमको उसको अच्छे से फ्राई, उसको जलाना नहीं है, धीमी आंच पे फ्राई करना है उसे। हमें धीमी आंच पे फ्राई करना है, उसको बिल्कुल जलाना नहीं है, उसका जो रेड कलर है वैसे ही रहने देना है। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके, एकदम से कुरकुरी ये चटनी लगती है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप कौन से शहर से देख रहे हैं और वहाँ पे कौन सी चटनी फेमस है ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।